All right guys, so welcome back to our YouTube channel Fun to Flip. तो आज हम आए हुए हैं सीपी में कनेक्ट प्लेस, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा कि लास्ट व्लॉग्स में मैंने न्यू आईफोन 13 प्रो मैक्स और 13 प्रो खरीदा था, जो कि करोलबाग से एंटे खरीदा गया था ओएलएक्स के थ्रू, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो मैंने ओएलएक्स के थ्रू खरीदा था, उसे 1 वीक चलाने के बाद उसमें टेक्निकल एरर्स आने लगे हैं, जैसे जूमिंग लेंस जूम करने पर ना वाइट पड़ जाता है एकदम, या फिर ब्लैंक हो जाता है कई बार, तो ऐसे ऐसे एरर्स आ रहे हैं, और पोर्ट्रेट मोड पर वो क्लिक ही नहीं कर रहा है पिक्चर्स। तो अभी मैं फिलहाल कनॉट प्लेस में आया हूँ, उसके सर्विस सेंटर, फिर मैं वहाँ गया नहीं हूँ, तो अभी मैं वहाँ जाने वाला हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कि वो कैसा रहेगा। उसमें वो स्वैप लेटर देंगे, मेरे को स्वैप करके देंगे फ़ोन को, या फिर वो इसे रिपेयर करके देंगे, देखते हैं क्या होता है। बट ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि इतना ज़्यादा वो नहीं करने वाली। बाकी हाँ, आफ्टर डैट हम जाने वाले हैं एक अच्छी सी लोकेशन जो कि सिटी में मैंने चूज़ करी है, मैंने ढूंढने के बाद मतलब है काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जुड़े रहिए और देखिए हम जहाँ जाने वाले हैं अभी फ्यूचर वर्ल्ड के पास। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि उसमें इसमें टेक्निकल एरर्स क्या आ रहे हैं, देखिए। तो ये देखिए अभी फ़िलहाल 1x पे और ये 0.5 पे सब वर्क कर रहा है, ऑल ओके। बट अभी ये 3x देखिए, जूमिंग लेंस क्या हाल हो रहा है इसका, ठीक है, ये आपने देखा। और फिर अभी हम जाते हैं सिनेमैटिक्स पे, इसका सिनेमैटिक देखिए, ऑल ओके, कोई इशू नहीं है। बट कि इसमें जूम का ऑप्शन कोई होता नहीं है सिनेमैटिक में, आहा कितना अच्छा व्यू आया। चलिए अब दूसरा दिखाता हूँ आपको, स्लो मो के ऑल ओके है, बाकी ये भी शुक्र है, टाइम लैप्स एंड पोर्ट्रेट। ऑलराइट, सो फोटो देख लीजिए, ये देखो, ठीक है, अब हम पोर्ट्रेट कर चुके हैं। तो पोर्ट्रेट भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1x है, 1x पे ऑन ऑफ है, सही से कर रहा है। बट जैसे ये 3x होएगा, ये देखिए ये एरर आ गया इसका, मतलब ये तो फैनो दे रहा है, चलिए फैनो देखते हैं, ठीक है। ये इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, मैं अभी सर्विस सेंटर के अंदर ही बैठा हुआ हूँ एप्पल के फ्यूचर वर्ल्ड वाले, जो कि सीपी में है। और अब मैं अपना फ़ोन सबमिट करने वाला हूँ, पर जब भी हम सबमिट करते हैं अपने फ़ोन को तो हम वीडियो बना लेनी चाहिए या फ़ोटो इसके क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर एक इनकी तरफ से भी स्क्रैच आती है बाय चांस, तो ये फिर उसे भी ठीक करके देते हैं। तो हम अपने उस लोकेशन पर आ चुके हैं जिसका आपको और हमें दोनों का ही बड़ा पैसा मिलते इंतजार। अमन भाई आप भी हो, हम आ चुके हैं स्टारबक्स में, जैसे आपको कहने वाला था कि मुझे पैसा मिले, वैसे एक दिक्कत है, तो मैं आपको अगर एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊँ तो वो ये है कि स्टारबक्स इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं होता है जितना लोग इसे समझते हैं कि थोड़ा ये बहुत एक्सपेंसिव है, और मतलब इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गया, लोग ऐसे हाथ पे ये लेते हैं है ना, और फिर पिक क्लिक करते हैं लाइक कि कितना एक्सपेंसिव है, मतलब जैसे अगर आप नॉर्मली देखें तो फिर इतना नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट होगी अराउंड 400-500, ठीक है, तो क्या पैसे स्पेंड कर ही देते हैं जो लोग सोच रहे हैं वो किसान लोग सोच रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक कनॉट प्लेस रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो वो ये है कि ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव रेंट प्लेसेस में से एक है, ये 9th नंबर पर है 2018 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर शाबाश बेटा,
की वैल्यू अराउंड $1,600 है। सो देखो इसे कन्वर्ट करके, ये कुछ 1,00,000 से ऊपर बैठेगा। तो यहाँ पर आपको देखो बड़ी बड़ी ब्रांड HM एंड काफ़ी सारे नाइक वगैरह सारे ब्रांड्स हैं। वैसे कनेक्ट प्लेस का नेम 2013 में देखा जाए तो न्यू नेम इसको दिया गया है, वो है राजीव चौक। अगर मेट्रो वगैरह भी देखते हो तो राजीव चौक पे कहीं पर भी कनेक्ट प्लेस यूज़ नहीं होता है, पर लोगों को जानने के लिए वैसे कनेक्ट प्लेस ही है, पर इसका नाम 2013 में राजीव चौक हो गया था। इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को फ़ोन वापस मिल चुका है जिसका इन्होंने कैमरा रिप्लेस किए तीनों, और अब इसका ऑप्टिकल जूम एंड ऑल सब वर्किंग है। So in the end of this video, I would like to thank you for watching this video and don't forget to like, subscribe and share. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको iPhone 13 Pro मिले तो जाकर कमेंट कर दो और कमेंट में लिख दो कि हाँ yes I want, तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा।